मैं खालिद खान से वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बिजनौर में मां ने मासूम बेटे की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को गैस चूल्हे पर जलाने का प्रयास किया। चूल्हे पर शव नहीं जला तो घर के आंगन में लकड़ियां रखकर जलाने लगी। जंगल से आए पिता ने बच्चे के बारे में पूछा तो बोली जला दिया। आइए आपको अवगत कराते हैं कि ये घटना बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की है, जहां कपिल की पत्नी आदेश ने 4 साल के बेटे हर्ष की फावड़े से काटकर हत्या कर दी, फिर गैस चूल्हे पर उसके शव को जलाया। शव पूरी तरह तो जल नहीं पाया, लेकिन कपड़े जरूर जल गए। इसके बाद आंगन में लकड़ियां रखकर शव को जलाने लगी। कपिल जंगल गया हुआ था। जब वह लौटकर आया तो बेटे के बारे में पूछा। पत्नी ने बोला उसको जला दिया है। ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। वह दौड़ता हुआ घर के आंगन में पहुंचा। बच्चे को आग में जलता देख वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर पड़ोस के लोग भी आ गए। पिता ने बेटे के शव को लकड़ियों से निकाला। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बेटे की हत्या करने वाली मां को गिरफ्तार कर थाने ले गई। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक पुलिस पूछताछ में मां ने हत्या का कोई भी कारण नहीं बताया है। महिला के मायके वाले उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं, वहीं ससुराल वाले ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही आसपास के काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर एसपी ग्रामीण रामवर्स, सीओ चांदपुर, हीमपुर थाना अध्यक्ष सहित पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुनील कुमार, कहाँ के रहने वाले? जलालपुर। क्या मामला हुआ आज? मामला जी, हम सुबह जंगल चले गए थे। जब जंगल सर आए तो मैं तो पीछे रह गया। छोटा वाला हल्कन ट्रैक्टर लेकर आ गया, मैं गाड़ी ला रहा था तो उसने क्लीन दे गया ना, मर गया। मगर एक क्या दिक्कत है, मगर ने ट्रैक्टर के नीचे आ गया। देखा अच्छा अच्छा कोई तो मैं हम भी हंसी बुग्गी छोड़कर भाग गया। ऐसे आगे देखा तो आग में बल रही और उसमें लोडर रखा था, उसने जो फेंक उठाया ना तो उसके बाद एक भाग का हमारे पीछे फल देख कर भगी और हम काट दूंगी मार दूंगी नहीं छोड़। हम फिर ठाक लूँ तो भाग भाग कर सीधे बिजनेस ले गए थे। तो बच्चा खत्म, बिजनेस खत्म हो गया। अच्छा, ये महिला कौन थी? ये माँ थी। माँ थी बच्चे की? माँ लड़के की? माँ थी ये बच्चे की? माँ बच्चे की माँ। अच्छा, तो किस बात को लेकर? कोई बात नहीं थी, सब राज्य से चाय पानी पी के हम अपने जंगल गए। छोटा वाला भाई अपने जंगल चले गए हमारे साथ ही, चलो जंगल ही जाएंगे। परिवार में कोई कल है? कोई नहीं थी। आज लगभग प्रातः 10 बजे थाना हिमपुर दीपा को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर हसना में एक सगी माँ द्वारा अपने लगभग 4 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करके उसके शव को आग से जला दिया गया है। इस सूचना पर पीआरबी व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारीगणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता कपिल कुमार के तहरीर पर थाना हिंगपुर दीपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी मां को हिरासत में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।